राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको प्रभु श्री राम के मंदिर के सबसे नए निर्माण कार्यों एवं श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति द्वारा राम जन्मभूमि परिसर में श्रद्धालुओं को दी जा रही बड़ी सौगात के संदर्भ में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी प्रस्तुत करूँगा। राम जय 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 श्री राम। प्रभु श्री राम से जुड़ी एक प्रसिद्ध चौपाई प्रचलित है कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया, अर्थात जिनके अंदर कपट पाखंड और लालच नहीं होता है, उस व्यक्ति के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम का वास होता है और श्री राम उन पर कृपा दृष्टि अवश्य करते हैं जो कि निश्चल होते हैं। अतः प्रभु श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूर्ण इस चैनल में प्रभु श्री राम की आत्मा का वास है और जहां आत्मा का वास होता है वहां परमात्मा की अपार कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होती है। अतः इस चैनल से पूरी आत्मीयता एवं श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़े एवं पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति द्वारा आयोजित बैठक में सभी राम भक्तों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और जिससे सभी राम भक्तों का हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। और यह महत्वपूर्ण जानकारी देने से पूर्व राम मंदिर के सबसे नए निर्माण कार्यों की मैं आपको सबसे पहले जानकारी देना चाहूँगा। सामने आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के उत्तरी छोर के सबसे नए निर्माण कार्यों का सबसे नवीनतम परिदृश्य है और इस नवीनतम परिदृश्य में आप देख सकते हैं कि परिसर में भीषण गर्मी होने के बावजूद यहां पर बड़ी क्रेनों के माध्यम से परकोटा निर्माण कार्यों को तेजी से किया जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पिलर की ऊँचाई थी वह लगभग 10 फीट के आसपास पहुँच चुकी है। उत्तरी छोर पर परकोटा निर्माण कार्यों पर मैं आपको सबसे नई जानकारी देना चाहूँगा कि राम मंदिर के संपूर्ण चारों कोनों पर एक एक मंदिर बनाए जाएंगे और उत्तरी छोर में उत्तरी पूर्वी एवं उत्तरी पश्चिमी भाग पर एक एक मंदिर का निर्माण कार्य किया जाएगा। और वर्तमान में मंदिरों के स्ट्रक्चर का काम तेजी से चल रहा है और यहाँ पर फाउंडेशन के निर्माण कार्यों के पश्चात यहाँ पर बीम ढलाई एवं पिलर्स निर्माण की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है लेकिन यहाँ पर निर्माण कार्यों में भारी उत्साह देखा गया है क्योंकि इतने दिन बाद निर्माण कार्यों में काफ़ी अधिक तेजी आई है और जितनी भी मशीनें थीं उसे श्री राम जन्मभूमि परिसर में मंगा लिया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पत्थर मौजूद हैं जिनके द्वारा यहाँ पर परकोटा के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और परकोटा के नीचे बनने वाली जो टनल है उसका निर्माण कार्य भी अपने अंतिम अवस्था में बढ़ रहा है। और आपको यह बताना चाहूँगा कि यह जो टनल है इसे परिक्रमा पथ से जोड़ा जाएगा ताकि राम भक्त इसी परिक्रमा पथ के द्वारा राम जन्मभूमि परिसर से एग्जिट कर जाएंगे और राम भक्तों को जो मिलने वाली सबसे बड़ी सौगात है वह इसी परिक्रमा पथ से जुड़ी हुई है जो कि इसी परकोटा परिसर से होकर के श्रद्धालु एक अन्यत्र दिव्य स्थान पर वहां पर दर्शन करने जा सकते हैं जिसे जल्द ही निर्माण समिति द्वारा खोल दिया जाएगा। और अभी परकोटा निर्माण कार्यों की नवीनतम कार्य प्रगति की बात करें तो लगभग 70% के आसपास यहां पर पिलर निर्माण की प्रक्रिया हो चुकी है और संपूर्ण निर्माण कार्य लगभग 30-40% तक अब तक पूर्ण हो पाया है। और उत्तरी भाग पर रिटेनिंग वाल का जो निर्माण कार्य है वह लगभग पूर्ण हो चुका है लेकिन यहाँ पर पिलर ढलाई एवं फाउंडेशन के जो निर्माण कार्य हैं वे अभी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। और उम्मीद है कि यह वीआईपी जोन क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर निर्माण कार्यों को सबसे पहले पूरा किया जाएगा। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिलर की ऊँचाई 20 फीट पहुँचने के पश्चात यहाँ पर बीम ढलाई का कार्य होगा और इसके बाद छत ढालने का काम तेजी से आरंभ कर दिया जाएगा। और श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति में परकोटा निर्माण कार्यों को
दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन मेरा यह अनुभव बताता है कि निर्माण कार्यों में कम से कम 2 वर्ष का समय लग सकता है, क्योंकि परकोटा परिसर में कुल मिलाकर 6 मंदिर एवं 4 प्रवेश द्वारों के निर्माण कार्य होने हैं। अतः इन सभी निर्माण कार्यों को एक साथ संपन्न करना, और वो भी साल भर में, यह संभव नहीं दिखता है। उम्मीद है कि सेकेंड फेज के सभी निर्माण कार्य दिसंबर तक पूर्ण हो जाएंगे, और इसमें परकोटा के स्ट्रक्चर को तैयार करना एवं इसके नीचे जो बन रही सुरंग है उसके निर्माण कार्यों को पूर्ण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, और उम्मीद है कि सितंबर माह तक यहां पर 1 टनल का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, और दूसरी टनल का जो निर्माण कार्य है उसे भी लगभग 4 से 6 महीनों की अवधि में जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सुरंग का जो निर्माण कार्य हो रहा है उसके ठीक ऊपर परकोटा बन रहा है, और परकोटे के ऊपर रामलला का दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालुओं का आगमन होगा, जबकि सुरंग के माध्यम से सभी श्रद्धालु राम जन्मभूमि परिसर की परिक्रमा करने के पश्चात परिसर से बाहर की ओर निकल जाएंगे, और आमतौर पर 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की क्षमता के अनुसार ही यहां पर परकोटा बनाया जा रहा है, और अत्यधिक भीड़ होने की स्थिति में यहां पर परकोटा ही भीड़ को नियंत्रित करने का काम करेगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर के सबसे नए निर्माण कार्यों एवं निर्माण समिति की बैठक में श्रद्धालुओं को मिलने वाली सबसे बड़ी सौगात के संदर्भ में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति द्वारा करोड़ों राम भक्तों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, और इस संदर्भ में श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र जी ने बताया कि सितंबर माह यानी आज से लगभग 3 महीने बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद कुबेर टीला परिसर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, और जिसमें सुरंग के द्वारा सभी श्रद्धालु कुबेर टीला परिसर में पहुंच सकेंगे। और श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष ने हमें यह भी जानकारी दी कि यह कुबेर टीला परिसर का निर्माण कार्य 90% के आसपास पूर्ण हो चुका है। यदि आप इसे दूर से देखें तो यह बिल्कुल शिवलिंग की आकृति की भांति बेहद खूबसूरत एवं दिव्य प्रतीत होता है, और यदि आप कुबेर टीला परिसर में जाएंगे तो आपको अद्भुत शांति का अनुभव होगा, क्योंकि यह परिक्षेत्र काफ़ी अधिक ऊंचा है और प्राकृतिक है। पहले यह पुरातत्व विभाग के संरक्षण में था, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया, और तब से इसके निर्माण कार्यों की पूरी जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है, और यह कुबेर टीला परिक्षेत्र परिक्रमा पथ से जोड़ा जाएगा। यदि आप राम जन्मभूमि दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि परिसर की परिक्रमा करेंगे तो उसमें एक मार्ग कुबेर टीला परिसर की ओर जाएगा। सामने आप देख सकते हैं कि यह भव्य कुबेर टीला परिसर है, और इसके बारे में मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहा हूँ, और यहाँ पर परिसर की ऊंचाई के कारण यहाँ पर कई लेयर्स में इसके निर्माण कार्यों को किया गया है, और शिवलिंग बनाने के लिए इसमें परत दर परत कई निर्माण कार्य किए गए हैं। यदि इसको दूर से देखें तो इसका जो सबसे निचला बेस है यह काफ़ी अधिक चौड़ा है, और इसके ऊपर के बेस कम से घटती हुई आकृति में हैं, और सबसे ऊपरी आकृति सबसे छोटी है, जहां पर जटायु की प्रतिमा एवं कुबेरेश्वर महादेव का दिव्य मंदिर बनाया गया है, और अभी यहां पर मेंटेनेंस कार्य चल रहे हैं, अतः इस परिसर में अभी किसी को जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन यह परिक्षेत्र इतना अधिक सुंदर और दिव्य है कि आपको असीम शांति का भी यहां अनुभव होगा, और यहां पर प्रायः मोर जैसे पक्षी आपको दिख जाएंगे। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए यहां पर और भी रामायणकालीन पौधे लगाने पर तेजी से विचार विमर्श किया जा रहा है, और इसके लिए पौधों की जो पहली खेप है वह बरसात से पहले लाई जाएगी, और सभी पौधों को यहाँ पर रोपित किया जाएगा, क्योंकि संपूर्ण श्री राम जन्मभूमि परिसर लगभग 75 एकड़ की परिधि में है, और इसका 70% भाग पूर्णतया खाली होगा, जिसमें अनेक प्रकार के उद्यान निर्मित किए जाएंगे,
और साथ ही प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई स्मृतियों को बनाने का बेहतरीन प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर के सबसे नए निर्माण कार्यों के साथ ही श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति द्वारा राम भक्तों को मिलने वाली सबसे बड़ी सौगात के संदर्भ में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम, राम।